हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाय क्यों पीते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं। चाय अधिकतर लोग पीते हैं और लोगों की आदत भी होती है चाय पीने की। आदत इसलिए बन जाती है क्योंकि चाय का नशा हो जाता है। जब सोकर उठते हैं तो चाय पीते हैं, थक जाते हैं तो चाय पीते हैं। पता है क्यों? इसमें कैफीन की मात्रा होती है और कैफीन एक नशीला पदार्थ होता है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हमें चाय की लत लगती है। रोजाना तो ठीक है क्योंकि हम अपने आप को तरोताजा करते हैं, पर गर्भावस्था के दौरान क्या ये सही है? अगर हम गर्भधारण के बाद भी चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्लेसेंटा के द्वारा कैफीन का डोज दे रहे हैं। क्या ये सही है? आप इसको सही मानती हैं? जैसे कोई पिता शराब पीता है, ये उनकी मजबूरी है, क्या वे अपने छोटे बच्चों को भी शराब देता है? बिल्कुल भी नहीं। पर आप तो वही कर रही हैं, आप खुद भी पी रही हैं और अपने शिशु को भी पिला रही हैं। मैं जानती हूँ आप छोड़ नहीं सकती, पर बदलाव तो कर सकते हैं। बस आपको बदलाव की जरूरत है। जहाँ आप दिन भर चार चाय पीते थे वहाँ दो पीजिए, जहाँ दो पीते थे वहाँ एक पीजिए। खाली पेट पीते थे तो खाली पेट पीना बंद कीजिए, क्योंकि खाली पेट पीने से आपके पेट में गैस की समस्या होगी और फिर पेट दर्द की समस्या होगी, क्योंकि ऐसे भी आपका बॉडी अनबैलेंस्ड है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होता, सिर्फ कैफीन और कैलोरी होती है। कैफीन नशीला पदार्थ होता है और कैलोरी आपकी बॉडी में फैट जमा करती है। इससे आपके शिशु पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिशु का विकास भी सही से नहीं होगा। अगर आप ज्यादा चाय पीती हैं तो ये आपके शिशु के शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं चाय के बिना नहीं रह पाती, लेकिन अगर आप गर्भधारण कर चुकी हैं तो आपको अपनी इस आदत को थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि चाय सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आने वाले शिशु को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर आप चाहें तो केवल एक कप चाय का सेवन कर सकती हैं, लेकिन एक से ज्यादा पीना आपके शिशु के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफी आदि के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। आप अपनी आदत में थोड़ा बदलाव करें। चाय की जगह पर आप नारियल पानी, अनार का जूस, ताजे फल का सेवन शुरू करें, ताकि नुकसान के बजाय आपको फायदे होने शुरू हो जाएं और आपके शिशु का विकास भी बेहतर तरीके से हो और जन्म के बाद भी आपका शिशु स्वस्थ रहे। दोस्तों, सिंपल सी बात है, चाय पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर आपके शिशु के लिए ये घातक होगा। आप क्या चाहेंगे? क्यों ना थोड़ा बदलाव किया जाए? कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे आप कोई फास्ट करते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, वैसे ही समझिए आपकी फास्टिंग है और आपको चाय पीना मना है। गुस्सा मत कीजिएगा मेरे ऊपर, आपके भले के लिए ही ये बात है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।